नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के CGPSC मेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य का जो एक टॉपिक है, छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियां, हम उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसलिए हम इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है वो एक पहला पार्ट होगा और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई बाइफर्केशन नहीं किया है कि इन जनजातियों को हम आज डील करेंगे या फिर जो बचे हुए जनजातियाँ उसे दूसरे वीडियो में डील करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी जनजातियाँ हैं उसे समाहित करके ये दोनों वीडियो बने होंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 1 मार्च को डिस्कशन कम्युनिटी में ये जो टॉपिक है इससे संबंधित 6 क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष रखा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके आंसर लिखे हैं और लगभग सही लिखे हैं। जहाँ पर हमें कमेंट करने की आवश्यकता होगी, जहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पर कमेंट करना चाहिए, इस पर्टिकुलर आंसर में सुधार की आवश्यकता है, तो हम वहाँ पर जाके कमेंट करेंगे। जहाँ पर सराहना देने की आवश्यकता है तो वहाँ पर हम इस वीडियो में इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लेके हम सराहना भी देंगे, उनका नाम संबोधित करेंगे। लेकिन जितने भी स्टूडेंट जो डिस्कशन कम्युनिटी जुड़े हुए हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि बाकी जो स्टूडेंट जो YouTube का वीडियो देखते हैं लेकिन डिस्कशन कम्युनिटी में जाकर नहीं जुड़े हैं, तो वहाँ जाकर जुड़िए, अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और जो बाकी स्टूडेंट जो वहाँ पर आंसर लिख रहे हैं उनके आंसर पे कमेंट कीजिए, क्योंकि वो एक डिस्कशन कम्युनिटी है, वहाँ पर डिस्कशन का इन्वायरमेंट होना चाहिए। वो ये जो डिस्कशन कम्युनिटी है ये आप लोगों के लिए बना है, आप स्टूडेंट्स के लिए बना है, ना कि हमारे लिए बना है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर आंसर लिख रहे हैं और जो नहीं लिख रहे हैं वो भी आंसर जाके लिखे, और बाकी स्टूडेंट्स के भी आंसर को देखे, एनालिसिस करे, अपने आंसर को बेहतर बनाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कमेंट करने की आवश्यकता है तो आप वहाँ पर कमेंट भी जाकर कीजिए। तो जो 1 मार्च को ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियाँ, इससे संबंधित जो 6 क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष रखे गए थे, उसका पहला क्वेश्चन है सल्फी पेय का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब सल्फी ड्रिंक। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में लिखना है आपको। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आकांक्षा पांडे जी ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो आप जाके उनका आंसर देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर को लिखा हुआ है। आइए जानते हैं इसका आंसर कैसा होना चाहिए 30 शब्दों में। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो सल्फी ड्रिंक है वो मुरिया और माड़िया जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है। ठीक है, पहले लाइन में आपका क्या होना चाहिए, ये सेंटेंस होना चाहिए कि मुरिया और माड़िया जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है। उसके बाद आप सल्फी के बारे में बताएंगे कि सल्फी जो होता है वो एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसके तने से रस निकाला जाता है। गर्मी के दिनों में ये ठंडा पेय पदार्थ होता है, जब ताज़ा होता है तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और इसमें खमीर उठने लगता है तो इसमें हल्का नशा होने लगता है। हल्का नशा होने के कारण इसे देसी बियर, चूँकि ये बस्तर में फेमस है इसलिए बस्तर बियर भी कहा जाता है। इस प्रकार से आप 30 शब्दों में सल्फी के बारे में बता सकते हैं। इससे जो चेक करने वाले हैं उनके मन में भी जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, और एक पढ़ने वाला कोई भी पढ़े इस क्वेश्चन के आंसर को तो उसे क्लियर हो जाएगा कि सल्फी एक्चुअली है क्या। तो 30 शब्दों में आपको इतना ही लिखना है कि मुरिया और माड़िया जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है। फिर आप मुरिया और माड़िया जनजाति पर नहीं जाएंगे कि इन लोग इसे संस्कारों में उपयोग करते हैं, इन लोग इसका व्यवसाय करते हैं, आप वहाँ पर नहीं जाएंगे। आपको कहाँ जाना है, सल्फी पेय पदार्थ में रहना है और सल्फी पेय पदार्थ के बारे में बताना है कि हाँ ये कहाँ से आता है, क्या है ये, तो आपको यहाँ पर ही रहना है। आपको बताना है कि सल्फी के पेड़ से मिलता है और इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या। आपको सल्फी पेय पदार्थ में रहना है, ना कि मुरिया और माड़िया जनजाति के रस्मों रिवाजों पे आपको जाना है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, धुरवा जनजाति कहाँ निवास करती है, इनके पंचायत के बारे में जानकारी दीजिए। वेयर द धुरवा ट्राइब रिसाइड्स, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पंचायत ऑफ धुरवा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में लिखना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रजनी देवांगन और अजय सिंह परिहार ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो आप जाके उनका आंसर देख सकते हैं। डिस्कशन कम्युनिटी में आपको जाना होगा, वहाँ पर इनके आंसर आपको शो हो रहे होंगे। तो देखिए, ये जो प्रश्न है वो 2 पार्ट में पूछा गया है। पहला पार्ट ये है कि ये निवास कहाँ करती है, और दूसरा पार्ट ये है कि इनके पंचायत के बारे में आपको बताना है, और आपके पास सिर्फ 30 वर्ड्स है इसे लिखने के लिए। तो बहुत ही कम शब्दों में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसे दे सकते हैं, ये टैलेंट आपको यहाँ पर दिखाना है। तो आप पहले बताएंगे कि धुरवा अर्थात परजा जनजाति
ये बस्तर संभाग के कहाँ कहाँ निवास करती है? कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में निवास करती है। मतलब आपका पहला सेंटेंस क्या होगा, ध्रुवाधार परजा जनजाति कहाँ निवास करती है? कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में निवास करती है। बस इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वर्ड नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। इतने में बात खत्म कर देनी है, फिर आप इनके पंचायत में आएंगे। आप बताएंगे कि ध्रुवा जनजाति के पंचायत के हेड को क्या कहा जाता है? माडुली कहा जाता है। इस माडुली के घर के सामने पत्थर के देवता का निशान होता है, जिसे क्या कहा जाता है? मुंड कहा जाता है। और इस मुंड के समक्ष पंचायत लगता है, चौपाल लगता है, और जो भी चौपाल लगता है उसे क्या कहा जाता है? बियरना मुंडा कहा जाता है। तो इस प्रकार से 30 वर्ड्स में आपको अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि 30 वर्ड्स में कैसा होना चाहिए। आपको बताना है कि ध्रुवा अर्थात परजा जनजाति छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और कोंडागांव जिले में निवास करती है। इनके पंचायत के हेड को माडुली कहते हैं। माडुली के घर के सामने पत्थर के देवता का निशान होता है, जिसे मुंड कहा जाता है, और इसके समक्ष चौपाल लगता है, और उस चौपाल को क्या कहते हैं हम? बियरना मुंडा कहते हैं। तो इस प्रकार से 30 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन के आंसर को इस प्रकार से एक्सप्लेन करके लिखना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति समूह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन गोंड ट्राइबल ग्रुप इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन छत्तीसगढ़। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में आपको लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसा लिखना है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो पूरा गोंड जनजाति समूह पे केंद्रित होना चाहिए। मतलब कि आपको इसकी उपजातियों के बारे में बताना है कि किन किन आधारों पर ये बटी हुई है और कौन कौन सी इसकी उपजातियां, और किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये गोंड जनजाति समूह जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। तो आपको स्टार्ट ही यहीं से करना है, इस क्वेश्चन से ही। ये जो क्वेश्चन का जो लाइन है, इसी सेंटेंस से आपको क्या करना है, इसका आंसर भी स्टार्ट करना है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह क्या है? गोंड जनजाति समूह है। अब वो कैसे, तो आप इसे क्या करेंगे, बताएंगे कि कैसे ये सबसे बड़ी जनजाति समूह है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जनजातियों का पॉपुलेशन कितना है? छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों का पॉपुलेशन है 782902। इसका 56% कितना होगा? 43,80,825। मतलब इसका 56% पॉपुलेशन जो है वो किसका है? गोंड ट्राइबल ग्रुप का है। तो आप अपने जो आपका आंसर का जो पहला लाइन होगा आप यही लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति समूह जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 782902 है, जिसमें 56% पॉपुलेशन जो है, ब्रैकेट में लिखेंगे लगभग कितना, 43,80,800 पॉपुलेशन जो है वो किसका है? गोंड जनजाति समूहों का है। ठीक, उसके बाद आप बताएंगे कि इन गोंड जनजाति समूह को कार्य और निवास क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है, बहुत सारी उपजातियों में बांटा गया है, जिनमें खान पान का तो संबंध होता है लेकिन इनमें मैरिज का कोई रिलेशन नहीं होता, इनमें विवाह का कोई संबंध नहीं होता। अब ये उपजातियाँ कौन कौन सी है आप बताएंगे कि कार्य के आधार पर जो बाइफर्केशन किया गया उसमें कौन कौन सी उपजातियाँ हैं, और निवास क्षेत्र के आधार पर जो बाइफर्केशन किया गया उसमें कौन कौन सी उपजातियाँ हैं। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि ये जो गोंड जनजाति है ये 41 उपजातियों में बटी हुई है। कितनी उपजातियों में बटी हुई है? 41 उपजातियों में बटी है, जो कि सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में। जितनी भी उपजातियां पाई जाती है, इतनी उपजातियां किसी पर्टिकुलर अनुसूचित जनजाति में नहीं पाई जाती है। तो आप बताइएगा कि गोंड जनजाति जो है वो 41 उपजातियों में बटी हुई है, जिनके बाइफर्केशन का आधार क्या है? कार्य और निवास क्षेत्र, और इस आधार पर इन्हें बांटा गया है।
इनके बीच में खान पान का तो संबंध है लेकिन विवाह का कोई संबंध नहीं है। तो आप बताइएगा कि कार्य के आधार पर, जैसे कि जो जमींदारी का कार्य करते हैं उन्हें राजगुण कहा जाता है, जो कृषि का कार्य करते हैं उन्हें घरगुण कहा जाता है, जो लोहा गलाने का कार्य करते हैं उन्हें अगरिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से कार्य के आधार पर जो भी ये जो उपजातियों में बटी हुई है, आप एग्जाम्पल देके बताएंगे। जो तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं उन्हें ओझा गुण कहा जाता है। निवास के आधार पर भी इन्हें बांटा गया है, जैसे कि जो बस्तर संभाग का एरिया है, बस्तर क्षेत्र का जो एरिया है, यहाँ पर जो जनजातियाँ निवास करती है वो कौन कौन सी है? अबू झमाड़िया है, मारिया है, मुरिया है, दोरला है, परजा है। तो बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनजाति है वो ये है, जो कि गोंडों की उपजातियाँ हैं। उसी प्रकार सरगुजा क्षेत्र में खैरवार जनजाति निवास करती है। तो आप बताइएगा कि इस प्रकार से निवास क्षेत्र के आधार पर और कार्य के आधार पर इन्हें बांटा गया है उपजातियों में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करती है। जो गोंड जनजाति समूह है वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करती है। लेकिन अगर पॉपुलेशन देखें तो सर्वाधिक पॉपुलेशन इनका कहाँ है? बस्तर रीजन पे है, बस्तर संभाग पे है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं। इस प्रकार से 60 वर्ड्स में आपका आंसर जो है सिस्टमेटिक वे पे होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, उराव जनजाति के धार्मिक पक्ष का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द उराव ट्राइब। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो देखिए, आपको उराव जनजाति के बारे में लिखना है, वो भी इनका जो धार्मिक पक्ष है उसमें आलोचनात्मक विवरण देना है, मतलब कि उसमें आपको व्यंग करना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आपको व्यंगात्मक रूप में अपने आंसर को लिखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दीजिए और उस प्रकार से उसके आंसर को लिखिए। तो पहले आप ये बताएंगे कि उराव जनजाति जो है वो द्रविड़ियन मूल की जनजाति और छत्तीसगढ़ के ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कहाँ निवास करती है? सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ के एरिए में निवास करती है। ठीक, तो पहले आप क्या बताएंगे? द्रविड़ियन मूल की जनजाति है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब कि सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ के एरिए में ये निवास करती है। फिर आप बताएंगे इनमें शिक्षा का प्रसार हुआ है और ये कहीं ना कहीं एक क्या कह सकते हैं, एक कारण है जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि ये जो उराव जनजाति के लोग हैं वो दूसरे धर्म में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आप बताइएगा कि जो जशपुर का एरिया है, सरगुजा का एरिया है, वहाँ पर एक समय पर ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था और यही एक कारण है कि आज जशपुर के क्षेत्र में क्या है, कुनकुरी एशिया का दूसरा बड़ा चर्च वहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उस क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रभाव है और ईसाई धर्म का, ईसाई मिशनरियों की वजह से वहाँ पर जो प्रचार प्रसार हुआ उसका बहुत प्रभाव उराव जनजाति के लोगों में पड़ा और जो बहुत सारे ऐसे उराव जनजाति के लोग थे जो कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए, ईसाई धर्म को जिन्होंने अपना लिया। तो इस बारे में आपको बताना है इस आंसर में कि उराव जनजाति के लोग जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पर ईसाई मिशनरियों के प्रचार प्रसार की वजह से जो वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था उसका प्रभाव जो है इन पर पड़ा और बहुत सारे ऐसे उराव जनजाति के लोग थे जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया और इस प्रकार से उराव जनजाति अब दो समूहों में विभाजित है, एक तो हिंदू उराव और दूसरा ईसाई उराव। तो यहाँ से आपको पता क्या चल रहा है कि ये जो उराव जनजाति के लोग हैं जो कि मेनली क्या है, हिंदू हैं, वो अब किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि उनका जो विश्वास है हिंदू धर्म के प्रति, उनकी जो मान्यताएं हैं हिंदू धर्म के प्रति, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, ख़त्म होते जा रही है, जिसकी वजह से वो ईसाई धर्म को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको आलोचनात्मक विवरण का मतलब क्या है, आपको व्यंगात्मक आंसर देना है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे इसके धार्मिक पक्ष को। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनका जो एक और धार्मिक पक्ष है जहाँ पर इनकी जो प्रमुख देवी है वो सरना देवी है जिसको ये मानते हैं और उनके बारे में लिखा है कि हाँ ये साल वृक्ष पर निवास करती है और चैत्र माह में फूल खिलने पर इनकी पूजा की जाती है, सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। तो ये ठीक है, अब बता सकते हैं इस पक्ष को, लेकिन इसमें आलोचनात्मक या व्यंगात्मक कुछ भी नहीं है जहाँ पर आप इसे लिख कर आप कुछ बता सके। हाँ, आप ये बता सकते हैं कि हाँ ये इनका धार्मिक पक्ष का ये भी एक पार्ट है कि इनके प्रमुख जो देवी देवता हैं वो ऐसे ऐसे हैं, धर्मेश है, सरना देवी है। लेकिन अब ये क्या हो रहे हैं,
अब ये हिंदू धर्म से कहाँ जा रहे हैं, ईसाई धर्म की ओर जा रहे हैं, तो आपका जो पूरा आंसर है वो किस पर केंद्रित होना चाहिए, इस पर केंद्रित होना चाहिए। तो इसे आप ध्यान में रखिए, 60 वर्ड्स में आपको लिखना है इसके आंसर को। और आपको मेनली क्या बताना है, आपको ये बताना है, आपको पुनपुरी के चर्च के बारे में बताना है कि हाँ ये एशिया का दूसरा बड़ा चर्च है जो कि जशपुर के क्षेत्र में है, स्थित है, और इसकी वजह से भी क्या हुआ कि वहाँ पर ईसाई धर्म का जो प्रभाव है वो वहाँ पर पड़ा। आप बताइए कि ईसाई मिशनरियों के प्रचार प्रसार की वजह से ऐसा हो रहा है कि हाँ उन लोगों का जो बिलीफ है हिंदू धर्म के प्रति वो जो है वो कम होते जा रहा है और वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे आते हैं। अगरिया समुदाय के साथ लोहे के संबंध को स्पष्ट करें, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ आयरन विद द अगरिया कम्युनिटी। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स में लिखना है आपको। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आकांक्षा ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। आकांक्षा पांडे जी, आपके जो आंसर होते हैं, आप जो भी आंसर लिखती है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिखती है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं आप जाके उनका आंसर देखिए डिस्कशन कम्युनिटी पे, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है। 100 शब्दों में इसका आंसर कैसे होना चाहिए, आइए देखते हैं। तो पहले आप बताएंगे कि ये जो अगरिया जनजाति है वो द्रविड़ियन मूल की जनजाति है, ये कहाँ निवास करती है? सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर के एरिया में निवास करती है। कहाँ? सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर क्षेत्र में ये निवास करती है। फिर आप बताएंगे कि अगरिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो अग्नि से हुई है। देखिए, लोहे से रिलेशन हमको बताना है ना इनका, तो स्टार्ट भी हम यही करेंगे। कहीं ना कहीं अग्नि जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लोहे से इनके संबंध को, तो हम स्टार्ट भी यहीं से करेंगे कि अगरिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्नि से हुई है। धौकनी के आधार पर इन्हें दो उपवर्गों में बांटा गया है। धौकनी क्या होता है? ये धातु या बांस का बना एक नली होता है, एक पाइप होता है, जिससे मुँह से फूंक कर आग को सुलगाया जाता है। जनरली आप गाँव के एरिया में देखे होंगे, जब माँ खाना बनाती है चूल्हे में तो वो आग को सुलगाने के लिए एक पाइप का यूज़ करती है और वहाँ से वो क्या करती है, फूंकती है और आग जो है उसे सुलगाया जाता है। ठीक है, तो उसे ही धौकनी कहते हैं। और उसके आधार पर इन्हें दो उपसमूहों में, दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है पथरिया अगरिया और दूसरा है खुटिया अगरिया। तो वे अगरिया जनजाति के लोग जिन्होंने प्रारंभिक समय में, जब वो लोहा गलाने का कार्य स्टार्ट करने वाले थे, तो प्रारंभिक समय में जिन्होंने क्या किया कि पत्थर के ऊपर लोहे को रखकर उसे कूटने का, पीटने का कार्य किया, उन्हें क्या कहा गया? और हाँ, जब आग सुलगाने की बात हुई तो उन्होंने धौकनी का उपयोग किया। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा गया? पथरिया अगरिया कहा गया। और कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ कि वो दीवार पे खूटी में उस लोहे को टांगकर उसे पिघलाने का, पीटने का कार्य करने लगे और धौकनी का उपयोग करने लगे, तो उन्हें क्या कहा गया? खुटिया अगरिया कहा गया। मतलब कि शब्द में ही ये जो ग्रुप है वो डिवाइडेड कैसे है ये बताया गया है। जैसे कि पथरिया, मतलब कि जब उन्होंने लोहा गलाने के लिए, लोहा को पीटने के लिए, कूटने के लिए जब पत्थर के ऊपर उसे रखा तो क्या कहा गया इन्हें? पथरिया अगरिया कहा गया। और जब खूटी में रखकर ये कार्य किया गया तो उन्हें खुटिया अगरिया कहा गया। तो पहले आप बताइएगा कि दो उपसमूहों में विभाजित है, ये मेनली कहाँ निवास करते हैं? तो ये मेनली दुर्गम जो वन होते हैं, पहाड़ों में जो गांव होते हैं, उन क्षेत्रों में निवास करते हैं। और उनके घर में या उसके आसपास क्या होती है? मिट्टी की भट्टियाँ होती है, बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल साइज़ की भट्टियाँ होती है। और उस भट्टी में ये क्या करते हैं? लोहा गलाने का कार्य करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है कि इनका जो पारंपरिक कार्य है वो क्या है? लोहा गलाना है। मतलब कि ये मिट्टी की भट्टियों में लोहा गलाने का कार्य किया करते थे। तो हुआ क्या कि पहले ज़माने में ना इन्हें लोहा गलाने का कार्य आता था, मतलब कि पत्थर से लोहा कैसे निकाला जाता है ये इन्हें तो आता था। तो ये पहले क्या करते थे कि पत्थर से, पत्थर को भट्टी में डाल दिया करते थे, वहाँ से ये लोहा निकालते थे और उसे ये लोहारों को दे दिया करते थे। इसका मतलब ये है कि पहले समय में इन्हें लौह निर्माण का तो कार्य आता था लेकिन लौह शिल्प का कार्य नहीं आता था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अब क्या करने लगे कि ये पत्थर से लोहा निकालते भी हैं, लौह निर्माण भी करते हैं और उसके बाद लौह शिल्प का भी कार्य इन्हें आने लगा। मतलब कि अब इस लोहे से ये क्या करने लगे? औजार बनाने लगे, कृषि उपकरण बनाने लगे। तो इस प्रकार से ये जो है लौह निर्माण, फिर उसके बाद धीरे से लौह शिल्प का भी कार्य करने लगे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गोंडों का लोहार कहा जाता है। तो देखिए, लोहे का रिलेशन स्टार्ट हो गया।
तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि इनका जो पारंपरिक कार्य है वो लोहा गलाने का कार्य है। अभी वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि अगरी जनजाति के लोगों का जो पारंपरिक कार्य है ये कहीं ना कहीं इनका जो पहचान है लोहा गलाने का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा है। तो ये इसे बचाए रखने के लिए इस समुदाय के लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इन तीन पॉइंट्स को डील कर लिया कि ये दो उपसमूहों में विभाजित है, ये लोहा गलाने का कार्य करते हैं और बाद में ये लौह शिल्प का भी कार्य करने लगे। उसके बाद आप बताइएगा कि फागुन, इसका मतलब ये होली का जो मंथ होता है, मार्च का जो मंथ होता है, फागुन और दशहरे के अवसर पर ये लोहा गलाने के लिए जो भी उपयोग में जो यंत्र आते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, उनकी ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है, लोहासुर है। और इनकी ऐसी मान्यताएं हैं कि इनके जो देवता हैं लोहासुर हैं वो दधकती हुई भट्टी में इनका निवास होता है, और जब ये इनकी पूजा करते हैं तो इन्हें ये क्या करते हैं, काली मुर्गी की बलि देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर में इनके और लोहे के रिलेशन को एक्सप्लेन वे में लिख सकते हैं 100 शब्दों में। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर जो भी 15 मार्क्स का होने वाला है और जिसे आपको 175 शब्दों में लिखना है। मुरिया जनजाति सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन मुरिया ट्राइब इज कल्चरली रिच। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत ही आसान होगा क्योंकि आपको मुरिया जनजाति के बारे में जितना कुछ भी पता है ना आप इस आंसर में लिख सकते हैं। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि वो जो आंसर है वो सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए और दूसरा ये कि इसका आधार क्या होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए, सांस्कृतिक होना चाहिए, ना कि और कुछ। बस आप इस दो बातों का ध्यान रखिए और इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है और अलग अलग विषयों में इसे बाइफरकेट किया है, लाइक युवा गृह, पर्व एवं त्यौहार, महोत्सव, नृत्य गीत और लोकनाट्य। इस प्रकार से इनके जितने भी ये जो लोक नृत्य है, लोकगीत है, लोकनाट्य है, इसे मैंने बाइफरकेट करके वहाँ पर नीचे लिख दिया है। तो आपका आंसर भी इस फ्लो चार्ट के वे में हो सकता है या फिर आप पॉइंट्स के वे में लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप जैसा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर को। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे आंसर का कि बताएंगे कि जो मुरिया जनजाति के लोग हैं ये द्रविड़ियन मूल की जनजाति है, गोंडों की उपजातियां हैं जो कि बस्तर के पठारी क्षेत्र में निवास करती है, प्लेटू एरिया ऑफ बस्तर में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर के क्षेत्र में ये निवास करती है। इस जनजाति के लोगों को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माना जाता है अन्य जनजातियों की अपेक्षा, क्योंकि इस जनजाति के लोगों में जो भी इनकी संस्कृति है उसे ये प्राचीन समय से लेकर आज तक जीवंत बनाए रखे हुए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा विविधताएं पाई जाती है। चाहे किसी भी पर्व एवं त्यौहार की बात हो, किसी भी आयोजन की बात हो, इन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नृत्य करते हैं, नृत्य का आयोजन करते हैं, गीत गाते हैं, लोकनाट्य का आयोजन करते हैं, खेलकूद किया करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग अवसर पर अलग अलग प्रकार के ये लोग नृत्य, गीत, लोकनाट्य, खेलकूद का ये लोग आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संस्कृति में बहुत ज़्यादा विविधताएं देख पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कहा जाता है। तो पहले आप ये बताएंगे, फिर आप इनके जो भी इनका जो संस्कृति का पार्ट है उस पर आएंगे और बताएंगे कि इनको इनकी संस्कृति की शिक्षा इनको कहाँ दी जाती है, इनके युवा गृहों में दी जाती है। देखिए कनेक्ट कर गया सेंटेंस, इनकी संस्कृति की शिक्षा इन्हें कहाँ दी जाती है, युवा गृह में दी जाती है। तो फिर आप बताएंगे कि इनका युवा गृह होता है जो कि एक सामाजिक और धार्मिक संगठन है, यहाँ पर अविवाहित युवक और युवतियों को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से शिक्षित किया जाता है। चूंकि अविवाहित युवक और युवतियों के लिए इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कुंवारों का राज्य कहा जाता है। यहाँ सामाजिक कार्यों का संपादन होता है और प्रति रात्रि को क्या होता है, नृत्य का आयोजन होता है, गीत का आयोजन होता है, खेलकूद का आयोजन होता है, लोकनाट्य का आयोजन होता है। तो इस प्रकार से सुबह का जो समय होता है यहाँ पर इन्हें सामाजिक रूप से सिंचित किया जाता है और रात को सांस्कृतिक रूप से सिंचित किया जाता है। यहाँ इन्हें सहजीवन का पाठ पढ़ाया जाता है कि इन्हें अपने जीवन कैसे जीना है, किन किन नियमों का पालन करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है,
ये इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इनके पारंपरिक ज्ञान का केंद्र बिंदु है। और घोटुल में बहुत सारे नियम होते हैं जो कि अलिखित होते हैं लेकिन कठोर होते हैं और सर्वमान्य होते हैं। घोटुल का नियामक कौन होता है? लिंगोपेन होते हैं। तो आप इतना घोटुल के बारे में बताएंगे, और आपको घोटुल के बारे में बहुत कुछ नहीं बताना है कि इसके सदस्यों को क्या बोलते हैं, इसके मुखिया को क्या क्या बोलते हैं। आप इधर मत जाइए, अब ये बताइए कि किस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से ये कनेक्ट कर रहा है मुरिया जनजाति को, और किस प्रकार से हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ये बताइए कि चूंकि यहाँ इनको सांस्कृतिक रूप से सिंचित किया जाता है, तो आप उस पर केंद्रित होकर घोटुल के बारे में बताइए। ये बताइए कि हाँ, यहाँ इन्हें सांस्कृतिक रूप से सिंचित किया जाता है, तो घोटुल के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं बताना है, बस इतना बताना है। फिर आप बताएंगे कि बहुत सारे पर्व और त्यौहार होते हैं इनके, जैसे कि नवाखानी, भादों के माह में जब नया अन्न आता है तो अपने देवी देवताओं को सबसे पहले ये अर्पित करते हैं, उसके बाद इसका उपयोग करते हैं, तो ये नवाखानी का त्यौहार मनाते हैं। यात्रा, यात्रा का मतलब क्या होता है? यात्रा होता है जब देवी की यात्रा की जाती है, तो उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? यात्रा कहा जाता है। यात्रा पर्व मनाते हैं। बस्तर का दशहरा जो कि 75 दिनों तक मनाया जाता है, उसमें भी इनकी सहभागिता जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। गोंचा पर्व आषाढ़ के माह में मनाया जाता है। इस गोंचा पर्व में जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है। बस्तर क्षेत्र में चूंकि ये मनाया जाता है, तो इस प्रकार से इनका पार्टिसिपेशन भी उनमें होता है। अमुस तिहार, ये पशुओं की से रिलेटेड है, पशु औषधि की पूजा की जाती है। हरेली अमावस्या के दिन मनाया जाता है इस त्यौहार को। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि इनके पर्व और त्यौहार, बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं लेकिन मुख्य रूप से इसे मनाया जाता है इनके द्वारा। अब हम आते हैं मड़ई पे। तो मड़ई का इनके जीवन पे विशेष स्थान होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बस्तर अंचल में फसल के कटने के बाद जनजातियों के द्वारा मड़ई का आयोजन किया जाता है। ये जो समय होता है वो जनवरी से लेके अप्रैल तक का होता है। मड़ई जो है वो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से इम्पोर्टेंस रखता है इनके जीवन पे। तो इस समय क्या करते हैं मुरे जनजाति के लोग, ये लोग अंगदेव की पूजा करते हैं जो कि कास्ट का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, और उनकी स्तुति में उनको प्रसन्न करने के लिए एक एबाल तो नृत्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप मड़ई के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, फिर आप आएंगे इनके नृत्य के बारे में। तो देखिए, इनके नृत्य के बारे में जब आप बताएंगे, तो पहले ये बताएंगे कि अलग अलग आयोजन में, अलग अलग अवसर पर अलग अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं इनके द्वारा। बहुत ज़्यादा विविधताएं पाई जाती है इनके नृत्य में, और ये जो डांस होते हैं वो सभी ग्रुप में किए जाते हैं, ये भी बता सकते हैं आप। धीरे धीरे से आप एक एक नाम लिखिएगा और इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाइएगा। जैसे कि ककसार, ककसार जो होता है वो एक पूजा नृत्य होता है, लिंगोपेन की स्तुति में इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। घोटुल का पूजा नृत्य है ये। एबाल तोड़, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मड़ई के अवसर पर अंगदेव को प्रसन्न करने के लिए ये लोग एबाल तोड़ नृत्य करते हैं। हुलकी पाटा नृत्य किसी भी अवसर पर किया जा सकता है। सामान्यतः विवाह के अवसर पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसका जो प्रशिक्षण है वो घोटुल में दिया जाता है। मांदरी नृत्य, फिर आप बताएंगे कि मांदरी नृत्य क्या है। ये जो मांदरी नृत्य है ये मेन डांस ऑफ घोटुल है। घोटुल का मुख्य समूह नृत्य है, मेनली ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है ग्रुप में, लेकिन कहीं कहीं चिटकुल के साथ महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। फिर आप गेड़ी नृत्य में आएंगे कि ये लोग गेड़ी नृत्य करते हैं। पूसकोला नृत्य जो है ये डंडे से किया जाता है, पौष के माह में किया जाता है, दूसरे दूसरे गाँव में जाकर किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इनके नृत्य को बताएंगे। फिर आप इनके गीत पे आएंगे कि जहाँ विवाह के अवसर पर इनके द्वारा रीलो गीत गाया जाता है, वहीं पर मृत्यु के अवसर पर इनके द्वारा घोटुल पाटा गीत गाया जाता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जहां पर ये किसी के जन्म की खुशियां मनाते हैं, तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां भी कोई बहुत शोक का माहौल नहीं होता, क्योंकि ये लाइफ जो है एक बार आई है तो एक बार जाएगी ही। तो यहां पर भी ये बहुत ज्यादा शोक नहीं मनाते, इसे भी ये उत्सव की तरह मनाते हैं। लिंगोपेन गीत गाते हैं। लिंगोपेन जो है इनके घोटुल के प्रमुख देवता है, उनकी स्तुति में लिंगोपेन गीत गाते हैं। लिंगोपेन का कोई रूप या आकार नहीं होता, ये घोटुल में सर्वत्र विद्यमान होते हैं। और फिर आप इनके लोकनाट्य को बता सकते हैं कि जो मायो पाटा, जो इनका फेमस लोकनाट्य है, इसमें जंगली भैंसे का शिकार किया जाता है। ये पूरी स्टोरी के फॉर्म में ये लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके
जो अलग अलग सांस्कृतिक पक्ष हैं उसको आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। इससे ये समझ में आएगा कि ये कितने ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं और हर एक पहलुओं को छूते हुए आप इसके आंसर को लिख सकते हैं 175 वर्ड्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उस पर हम जो बाकी जनजातियाँ हैं जो अभी छूट गई होंगी उसके क्वेश्चन जो हैं वो आपको डिस्कशन कम्युनिटी में देंगे और उसके आंसर कैसे लिखने चाहिए वो हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर पे। मैंने कोशिश किया है चूँकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट है या जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चंस को फॉर्म किया है। तो आई होप कि इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है या इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो जाए। लेकिन यदि आपको सभी जनजातियों के बारे में पढ़ना है बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक तो आप हमारा मोबाइल कोर्स ले सकते हैं। वहाँ पर एक एक जनजातियों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।